उत्सव श्री कृष्ण गौरक्षण महिला समिति के द्वारा भव्य गंगोर उत्सव का आयोजन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। 5 वर्षों से यह आयोजन भव्य रूप में किया जा रहा है, जिसमें 700 से 800 लेडीज़ें यहाँ आती हैं और गौर माता का विसर्जन करती हैं। यहाँ स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ में ब्यावलियों का स्वागत किया जाता है और सभी इस उत्सव को बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। रिवाज इसमें ईश्वर गौरा जी की पूजा की जाती है, होली वाले दिन से ईश्वर गौरा जी की स्थापना की जाती है और 16 दिन लड़कियाँ गंगोर पूजती हैं। गंगोर पूजने के लास्ट नवरात्रा के तीज वाले दिन इसका विसर्जन किया जाता है, जो कि गौशाला पिंड के पार गौपुरी 36 करोड़ देवी देवताओं के बीच में इस गंगोर विसर्जन किया जाता है। इसमें 700 से 800 महिलाएं आती हैं, हाँ, और हमारी महिला समिति की 50 से 60 महिलाएं, महिला समिति की सब विगत महीना भर से जुटी रहती है इस कार्यक्रम के लिए। विशेष यही है कि यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं, जो गाय है, माना जाता है कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इसके बीच में शुद्ध वातावरण में यहाँ पर जो इसकी जो मिट्टी है यहाँ के खेतों में काम आ जाती है, यहाँ का पानी अच्छी जगह पे यूज़ हो जाता है। तो अपना उद्देश्य यही है कि यहाँ पर सभी आएँ और शुद्ध वातावरण मिले और इसमें अपना गंगोर विसर्जन करें। श्री कृष्ण गौरक्षण सभा जो है विगत 2-3 सालों से जो गंगोर का विसर्जन का जो प्रोग्राम कर रही है, बहुत ही अच्छे जो महिला समिति द्वारा जो किया जा रहा प्रोग्राम है, बहुत ही सुंदर ढंग से कर रहे हैं और एक शहर में एक अच्छा वातावरण मिल रहा है और इसका शहर पूरा श्रेय महिला समिति को दिया जाता है। धन्यवाद। आज से 8-10 साल पहले गौ माता की इस भूमि में बहुत कम लोग आते थे, पहचानते भी नहीं थे, यानी रेयर टाइम में जैसे कोई किसी का आना है वो ही आते थे, लेकिन अभी 8-10 सालों से हर फंक्शन हर चीज़ें होती है। जैसे यहाँ 56 गायों का 56 भोग होता है और यहाँ गौशाला का ये जो प्रोग्राम होता है हमारा विसर्जन का, तो उस प्रोग्राम में लोग इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत चाव से आते हैं, तो और प्राकृतिक रूप से भी बहुत शुद्ध है वातावरण, तो लोगों को आना बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र में काजल तीज जो मेन होता है, जिसमें हम लोग शिव गौरा की पूजा करते हैं, वही हम लोग मारवाड़ी लेडीज़, हमारी राजस्थानी लेडीज़ 16 दिन का ये पर्व मनाती है। 16वें दिन इनका प्राकृतिक रूप में विसर्जन होता है। उसके बाद हमारी जो जस्ट मैरिड लड़कियां होती है, बहुएं होती है, वही लड़कियां तो अपने ससुराल जाती है, बहुएं हमारी ससुराल में आ जाती है वापस। हाँ, यहाँ पर हम लोग उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका आगमन होता है। यहाँ पर अभी हमारे कल्चरल प्रोग्राम में जैसे डांस होता है, हौजी का हंगामा है और भजन वगैरह, और लास्ट में फिर भोजन की व्यवस्था होती है। गौर पूजेमध्ये आम्ही आता श्रीकृष्ण गौरक्षण संस्था गोंदिया इथे आलेलो आहे आणि पांजरापोल इथे या गौरक्षणाचा कार्यक्रमात प्रचारानिमित्त आम्ही निघालेलो। 19 एप्रिलला जी लोकसभा निवडणूक आहे तिथे उमेदवार म्हणून माझे पतिदेव उमेदवार श्री सुनीलजी मेंढे आहेत आणि त्यांना 5 वर्षाचा कार्यकाळ त्यांचा संपला आणि या 5 वर्षासाठी महायुतीचे उमेदवार म्हणून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी आम्ही इथे प्रचारातच इथे आलो। आता महादेवाची पार्वती बनून मी इथे मतदान पण मागितलं, गौर पूजेत आनंदाने सहभागी पण झाली आणि या माझ्या सगळ्या सख्यांसोबत इथले सगळे आशीर्वाद पण घेतले। जैसा कि पता है कि हमारे मारवाड़ी समाज 16 दिन की जो गंगोर है, ब्यावली, नवविवाहिता, ये पूछती है, वो मायके आती है और सदा हर वर्ष की तरह नए साल से उसमें पूछती है, गंगोर मनाती है। 16 दिन बाद उनके आज हमारे यहाँ पे विसर्जन का कार्यक्रम है गौशाला महिला समिति द्वारा। प्रतिवर्षानुसार पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम इको फ्रेंडली गंगोर उत्सव मनाते, विसर्जन उत्सव मनाते आ रहे हैं और हम लोगों का यही रहता है कि जैसे जो पार्वती जी है गौरा का रूप, आज वो यहाँ पे जब उनका विसर्जन होने के पश्चात वो मायके के द्वारा अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। मेरा सौभाग्य है और मैंने सुना बहुत था कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, इतने ये गंगोर का विसर्जन का कार्यक्रम होता है और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाई। कर लो जितना कर लो, यानी रात को देरी से आओ तो भी चलता है, यानी यहाँ पे ऐसा है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है।
यानी ऐसा है कि इसमें मस्ती भी बहुत होती है और एंजॉय भी उतना ही होता है और यानी एंटरटेन भी उतना ही होता है। गणगौर ये त्यौहार खासकर लेडीजों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है, खासकर तो गोंदिया में। ये बात तो सही है, गोंदिया में गोंदिया जैसा तो शायद ही कहीं होता होगा। गोंदिया यानी हर चीज के लिए बहुत बेस्ट है और यहाँ हर चीज बहुत हर्षोल्लास से मनाई। क्या विशेषता है ये जो अपनी संस्था है श्री गोरक्षण सभा, ये गौ सेवा में लगी हुई है, काफ़ी पुरातन संस्था है। और ये संस्था जो है ये संस्था गौ सेवा के साथ साथ बाकी कार्य भी करती है। प्राकृतिक सुरम वातावरण है, अभी हमारी महिला कमेटी भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। महिला कमेटी के द्वारा अभी गणगौर का एक कार्यक्रम लिया गया है जिसमें बड़े स्तर पर पूरे मारवाड़ी समाज की महिलाएँ आके अपना गणगौर उत्सव का साजरा कर रही है। और इससे क्या होता है कि समिति को गौ प्रेमी, नए नए गौ प्रेमी जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ प्रगति हो रही है, संस्था भी बहुत आगे प्रगति कर रही है।